बिहार के लखीसराय में छात्रा को गैंगरेप के बाद चलती ट्रेन से फेंक दिया गया। गंभीर हालत में छात्रा को पहले लखीसराय के अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन ज्यादा हालात बिगड़ने पर पटना के पीएमसीएच अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन अस्पताल की लापरवाही सामने आई। अस्पताल में ना तो पीड़ित को बेड मिला और ना ही वक्त पर फोन चढ़ाया गया, लेकिन जैसे ही नेटवर्क 18 पर खबर दिखाई गई, अस्पताल प्रशासन फौरन ही हरकत में आ गया। फौरन ही पीड़ित को अस्पताल में बेड भी दे दिया गया, खून की व्यवस्था भी कर दी गई। पीड़ित का आरोप है कि उसके गांव के एक शख्स ने अपने 5 दोस्तों के साथ हथियार के बल पर गैंगरेप किया और फिर चलती ट्रेन से उसे फेंक दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश जारी कर दी है। पीड़ित छात्रा गुरुवार को अपने घर से रात में शौच के लिए निकली थी, लेकिन गांव के एक युवक ने उसे जबरन उठा लिया और फिर अपने दोस्त के साथ मिलकर उसका गैंगरेप किया। शुक्रवार को सुबह छात्रा के परिजनों ने उसे घर पर नहीं देखा तो वो तलाश में छूट गए, लेकिन उससे पहले कुछ यात्रियों ने घायल छात्रा को रेल पटरी के किनारे से उठाकर रेलवे स्टेशन पर पहुंचाया था, जिसके बाद पीड़ित के परिवार ने छात्रा को अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन यहां भी उसे नेटवर्क 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद ही राहत मिल पाई। जी पड़ी हुई थी, पूरा एकदम बेहालत में, सब लोग पब्लिक लोग वहाँ पूरा घेर ले थे, चोट उट भी लगा था, पूरा चोट लगा हुआ, वो पूरा खून से लथपथ था। बाकी उसको उठाए मोटरसाइकिल से ले गए थे हम डॉक्टर के पास लखीसराय। छात्रा की गैंगरेप की खबर सामने आने के बाद सियासत भी गड़बड़ा गई है। लखीसराय में घटना के विरोध में लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। दूसरी ओर लखीसराय के लोगों का मानना है कि महिलाएं खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है, सरकार को दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। हमारा मांग होगा इस पर कि इस तरह के अपराधी को फांसी की सजा दी जाए। इसके लिए तो स्पीडी ट्रायल होना चाहिए, एकदम फांसी की सजा उसको त्वरित होना चाहिए। बार बार ये घटना हो रही है, इसका क्या कारण है? सरकार इसके प्रति जागरूक नहीं है। लखीसराय में नाबालिग छात्रों की गैंगरेप के बाद बीजेपी बिहार की नीतीश सरकार पर हमलावर हो गई है। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिए जाने की मांग की है। अविलंब जो दोषियों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए और देखिए रेप के मामले में स्पीडी ट्रायल कराकर लोगों को सजा दी जानी चाहिए। बीजेपी के हमलावर होने के बाद लखीसराय गैंगरेप मामले में जेडीयू का बयान भी सामने आया है। जेडीयू प्रवक्ता संजय सिंह ने कहा है कि कानून अपना काम कर रहा है और दोषी सलाखों के पीछे होंगे। नीतीश कुमार जी का राज है, अगर वो गैंग रेप हुआ है तो दोषी जो होगा वो कितना बड़ा ओहदे वाला होगा वो जेल के सलाखों के पीछे होगा। ये कानून का राज है, कानून अपना काम करेगा। और लखीसराय में किस तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया ये भी आपको बताते हैं। लखीसराय में नाबालिग का गैंगरेप हुआ, गांव के युवक पर दोस्तों के साथ गैंगरेप का आरोप लगा, हथियारों के बल पर नाबालिग के गैंगरेप का आरोप है, गैंगरेप के बाद चलती ट्रेन से फेंकने का भी आरोप है। शुक्रवार सुबह नाबालिग घायल हालत में मिली, पहले लखीसराय के अस्पताल में भर्ती कराया गया, गैंगरेप की पुष्टि होने के बाद पटना रेफर कर दिया गया। पटना के पीएमसीएच में नाबालिग को भर्ती कराया गया। शनिवार को अस्पताल में पीड़ित को बेड नहीं मिला, खबर दिखाए जाने के बाद अस्पताल में उसको बेड दिया गया। गैंगरेप के आरोपी अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। और बिहार के खगड़िया में प्रेमी पर प्रेमिका की हत्या का आरोप लगा है। आरोप है कि प्रेमी ने रेप के बाद प्रेमिका को जिंदा जला दिया, लेकिन अस्पताल में इलाज के दौरान लड़की की मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।